डिज़ाइनर बेडशीट लगाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर बेडशीट खरीदने जाएंगे तो उनका रेट बिल्कुल आसमान को छूता है। हम कई बार चाहते हुए भी अपनी पसंद की बेडशीट को ड्रॉप कर देते हैं यही सोच करके कि आगे ले लेंगे, लेकिन फिर वो कभी हो नहीं पाता। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि फिर हम उस चीज़ को ड्रॉप ही कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी बेडशीट जो कि हमारी, अगर आपके पास कोई भी प्लेन बेडशीट हो उसको डिज़ाइनर बेडशीट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, वही आज का वीडियो है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार, और इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बाद में इसका लुक पता चल सके और कितना ज़्यादा खूबसूरत लगी है ये बेडशीट। मैं आपको क्या बताऊं कि जितनी मेरी इसमें मेहनत थी वो बिल्कुल वसूल हो गई, और बिल्कुल पैसा वसूल वाली चीज़ है। और इसके लिए मैं कर रही हूँ अपनी एक पुरानी वाइट सलवार का यूज़। तो ये जो देख रहे हैं आप पर्पल कलर की बेडशीट, इसी का मैं आज मेकओवर करूँगी या फिर इसको बिल्कुल चेंज कर दूँगी, और उसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाइट कलर की। मेरे पास एक सलवार थी बिल्कुल नई पड़ी थी, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी बेडशीट का मेकओवर करने के लिए। तो अभी मैंने इसको सोचा कि इसको मैं उधेड़ लेती हूँ, इसकी सिलाई निकाल लेती हूँ, लेकिन सिलाई निकालने में तो इसमें 2 दिन लग जाते, तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाया। यहाँ से मैंने साइड से इसकी जहाँ जहाँ पर सिलाई थी ना, मैंने उसको ही कट कर दिया, क्योंकि वैसे भी हमने इसको कट ही करना था। तो आप चाहें तो नया कपड़ा ले सकते हैं, मेरे पास वाइट कलर की ये सलवार थी, ये भी नई थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने पूरी तरीके से कट कर दिया है और ये कुछ इस तरीके का कपड़ा निकल करके आया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कपड़ा इसमें निकला है, और मैंने इसके पाएचे जो होते हैं ना पोंचे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं, तो मुझे बिल्कुल प्लेन कपड़ा मिला है। तो अभी मुझे कट करनी है इसमें पट्टियाँ, यानी कि स्ट्रिप्स कट करनी है 3 से 4 इंच की। तो अगर हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स करेंगे तो फिर हमें चौड़ाई में लेनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और कम स्ट्रिप्स भी हमें कट करनी पड़ेगी। तो ये लगभग एक ही साइड से हो गया था पूरा, तो मैंने क्या किया, ये इंच टेप की हेल्प से 3-3 इंच चौड़ाई लेकर के पेंसिल से पहले मैंने पूरी स्ट्रिप को मार्क किया, और मार्क करने के बाद में मैंने फिर से इसको कट किया है। देखिए इस तरीके से जगह जगह पर हम मार्क करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3-3 इंच चौड़ा, और इसके बाद में हम इसको कट करते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमारी जो स्ट्रिप्स हैं या पट्टियां हैं इनको एग्जैक्ट पूरी जो है हमें 3 ही इंच की चाहिए। मैं 3 इंच की लगा रही हूँ, अगर आपको इसमें ज़्यादा चौड़ाई वाली चाहिए डिज़ाइन वो आपको आगे पता चलेगा तो आप चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं, बट 3 इंच वाली जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगी है बेड के ऊपर, जो बेडशीट के ऊपर आई है। और ये एक पैचवर्क की बेडशीट है जो मैं बना रही हूँ, तो पैचवर्क ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीके का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इस पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे, तो ये देखिए मैंने ना इस तरह की कम से कम 6 पट्टियाँ कट की हैं। उसके बाद में जो बाकी का कपड़ा बचा था उसमें मैंने 4-4 इंच की पट्टियाँ कट की हैं, तो वो मेरी बनी हैं 3। और अब जो 4-4 इंच वाली पट्टियाँ मैंने कट की थी उसके ऊपर मैं इस तरीके से सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये पूरे तीनों पट्टियों के ऊपर मैंने इनको पहले एक बार फोल्ड किया, फिर डबल फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, तो मतलब काफ़ी अच्छी तह बन गई थी इसकी, फोल्ड कर दिए थे हमने। और अब एक के ऊपर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, और फिर इकट्ठा एक साथ में सबको कट कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो सब एग्जैक्ट एक ही शेप के आएंगे, किसी का भी शेप बिगड़ेगा नहीं। और आप अगर नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर जो फ्लावर्स बनाए हैं तीनों पट्टियों के, वो अलग अलग साइज़ में बनाए हैं, कुछ मैंने बड़े बनाए हैं, कुछ मीडियम और कुछ छोटे, तो 4 शेप मैंने बनाई हैं।
अब ये देखिए कुछ इस तरीके की सारी शेप बन कर के आई हैं, मैंने कट कर लिया था। अब कर क्या रही हूँ इनको मैं इस तरीके से, इनके किनारे पर थोड़ा थोड़ा सा मैं कैंडल की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं गैस से कर रही हूँ, तो इस तरीके से करना है जिससे कि इसकी जितनी भी किनारी पर कपड़ा ख़राब होता है ना वो निकल जाएगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक कपड़ा तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये काम। इवन अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी ये बेडशीट है जिसको मैंने बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दिया है, और बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करें जितना कि आपको अंदर के साइड में फोल्ड करना है बेडशीट को। अगर आप बेडशीट फोल्ड करते हैं तो आपको अगर फोल्ड करना है तो आप उतना बिल्कुल एग्जैक्ट पहले फोल्ड कर लीजिए, और फिर ये जो हमने 3-3 इंच की जो पट्टियाँ कट की थी उनको मैंने एक स्क्वायर के शेप में यहाँ पर पूरा मैंने लगा दिया है क्योंकि मुझे ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। और अब करना क्या है ये देखिए, मेरे पास ये चौक की हेल्प से, अगर आप स्टील रिंग चौक से करेंगे तभी भी अच्छा है, मेरे पास ये स्कूल वाला चौक था तो मैं इससे कर रही हूँ। तो जितनी हमारी ये पट्टियाँ हैं यानी कपड़े की स्ट्रिप्स हैं उससे लगभग आधा आधा इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर चौक से ड्रॉ कर लूँगी चारों तरफ। इससे ड्रॉ करने का फ़ायदा ये है, पूरे चौक से हमें इवनली ड्रॉ करना है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से मार्क कर सकते हैं, बट मैं इसी हिसाब से क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स हैं तो मैंने इसी हिसाब से यहाँ पर ये देखिए ड्रॉ कर लिया है जहाँ पर मेरी पट्टियाँ थी। धीरे धीरे पट्टी को हटाती गई और इस तरीके से ड्रॉ करती गई। तो ये ड्रॉ करने के बाद में बेडशीट को कर दिया मैंने अलग, और ये जो पट्टियाँ थी इनको मैं आयरन कर लूँगी बहुत अच्छे से। और आयरन करने के बाद में एक छोटी पट्टी और एक लंबी पट्टी इस तरीके से मैं जोड़ लूँगी इनको आपस में। ध्यान रखें जोड़ते टाइम जो हमें चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि दोनों साइड अच्छे से एक ही साइड में आए, कभी सीधा और उल्टा मत जोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए अब ये उल्टा वाला साइड जहाँ पर हमारी सिलाई है ना वो हम नीचे के साइड में करेंगे, और जहाँ पर हमने ये चौक से ड्रॉ किया था इसको हम इसी लाइन के ऊपर रखते हुए दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, तो ये हमें सिलने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, हमें बिल्कुल भी हमारी जो सिलाई है गलत नहीं आएगी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया और अब इसको दूसरे साइड में भी मैंने स्टिच कर दिया। अब देखिए इसको दूसरी पट्टी को मुझे यहाँ पर अटैच करना है, दूसरा साइड किनारा फोल्ड करना है ना, तो किनारा फोल्ड करने के लिए हमें तिरछा भी मोड़ना पड़ेगा। कैसे मोड़ेंगे वो दिखाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऐसे ही मोड़ूंगी, एक किनारा जो है उसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधा करते हुए इसी तरीके से मोड़ लूँगी जहाँ पर मैंने पट्टी पहले वाली पट्टी जो मोड़ी थी। इसको पूरा हम इस तरीके से लेते हुए बस ये ध्यान रखें कपड़े में झोल नहीं आनी चाहिए और कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। और अब ये देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पर इस तरीके से सिल दें सीधा, जैसे ये चौकोर आ गया ना तो इस तरीके से भी आप सिल सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे क्योंकि तिरछा ही मोड़ना है इसीलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, ऐसा ही मार्केट वाली बेडशीट्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए इसको कपड़े को मैंने सीधा रखने की जगह थोड़ा सा यहाँ पर पहले एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, इस कपड़े को यहाँ पर ये तिरछा मोड़ा और अब हमने लगा देनी है सिलाई और इसको मोड़ देना है हमें। इसको तो तिरछा मोड़ दिया इस तरीके से, बस थोड़ा सा आपको नेल्स की हेल्प से फिंगर की हेल्प से दबाते हुए यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना है किनारा। ये देखिए कितने आसानी से यहाँ पर किनारा मुड़ गया और अब हमने सिलाई को सीधा ही लगाना है। तो एक साइड से पहले लगाएंगे तो दूसरा साइड जो है वो बाद में बिल्कुल इवन लगेगा, आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी और आपकी जो सिलाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगी। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि इसको इस तरीके से आपको मोड़ना है, बिल्कुल तिरछा करके मोड़ेंगे तो आपकी जो सिलाई है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो अभी दूसरा साइड भी लगा रही हूँ मैं, इसी तरीके से चारों कोनों को हमें फोल्ड करना है। एक साइड में तो सिंपल सीधी सिलाई करनी है और जब दूसरा सिरा आएगा तो उसके बाद में हमें
कोने को मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अब जैसे ये किनारा ख़त्म हो गया, चौथी साइड में भी मैं सिल रही हूँ, तो ये किनारा ख़त्म हो गया, तो पहले इसको सीधा करा और फिर एक कोना हमने इसका मोड़ दिया। तो ऐसे फोल्ड करने से क्या होता है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और देखने में सुंदर लगती है। ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको स्प्रेड करके। तो ये देखिए, अभी चारों तरफ की जो स्ट्रिप थी वो लग गई है और लगने के बाद में बेडशीट अभी से ही देखिए वाइब्रेंट सी होनी शुरू हो गई। तो ऐसे भी अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो फ्लावर्स लगा रही हूँ, फ्लावर्स मैंने इस तरीके से लगा करके दिखा रही हूँ, आप ऐसे भी लगा सकते हैं और जैसे सारे नीचे लगा दिए और थोड़े से ऊपर लगा दिए। आप चाहें तो आधी बेडशीट में फ्लावर्स लगा सकते हैं, आधी बेडशीट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरी में लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी। मैंने फ्लावर्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो बटरफ्लाईज वगैरह भी यहाँ पर कट करके, कपड़े से कट करके बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सारे मैंने नीचे लगाए हैं, तीन चार ऊपर के साइड में लगा दिए हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका, मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगी कि ऊपर नहीं लगाऊँगी, इसकी जगह मैं पिल्लोज़ में भी लगाऊँगी। तो पिल्लो में कैसे लगाऊँगी वो तो आपको बाद में दिखाऊँगी, पहले इनको मैंने इस तरीके से स्प्रेड करके देख लिया है कि यहाँ पर इतनी इतनी गैप पर मुझे लगाने हैं। और मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है, छोटे बड़े सभी जितने भी फ्लावर्स थे उनको रैंडमली लगाया है और जैसे काउंट करके नहीं लगाया है, कोई इतना जगह भी देख करके नहीं लगाई है, आपको जैसे अच्छे लगते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया और लगाने के बाद में पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, फैब्रिक ग्लू को मैंने इसके ऊपर लगाया बेडशीट के ऊपर, और उसके बाद में अपने फ्लावर्स को मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया। अब चूँकि हम इसको वॉश करेंगे, मशीन में भी वॉश करेंगे, हैंड वॉश भी कर सकते हैं, तो ये ख़राब ना हो जाए या इसका ग्लू निकल ना जाए। वैसे तो फैब्रिक ग्लू निकलता नहीं है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पक्का करने के लिए यानी कि परमानेंट करने के लिए दो तरीके बता रही हूँ आपको। जैसे ग्लू लगाया, उसके बाद में ग्लू जब सूख गया तो सिलाई मशीन की हेल्प से हम सिल सकते हैं। दूसरा है कि आप इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से सिल सकते हैं। तो मैंने सभी को सुई धागे की हेल्प से ही सिला है, जैसे कि हम तुरपन करते हैं ना कुर्ते के हेम में, जब हम सिलाई करते हैं तुरपन जैसी करते हैं, तो वो की है मैंने। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और ये पूरी बेडशीट और पिल्लो मेरे तैयार होने के बाद में कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बेडशीट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।